भाई बहुत दिन से कहीं घूमने गए थे, अब सोचा कि कहीं घूमते हैं। तो अब फिलहाल मेरठ सिटी स्टेशन पकड़े और जान लग रहे अयोध्या नगरी, राम जी की नगरी अयोध्या। अब यहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से आगे दूसरी ट्रेन पकड़ेगा अयोध्या जाएंगे। तो भाई अभी चल चुके हैं नई दिल्ली से और अब सीधा सुबह 6:30 बजे अयोध्या पहुँचा था। बीच में 4-5 स्टेशन है मुश्किल से मुश्किल। तो भाई ये मान लो कि बस अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता रहेगा अयोध्या का। तो आ गए भाई, उतर गए अयोध्या में। थोड़ी सी लेट होगी ट्रेन, 1 घंटा लेट हुई है, पर आ गए स्टेशन ही देख लो भाई। लो दीवान जी, चाय पियो। तो भाई नहा धो लिया, अब जा कपड़े उतर लिए, अब जिस काम के लिए आए थे उस काम के लिए चलते हैं। आपको बता दो कि अगर आप अयोध्या आओगे तो सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करने होंगे। तो इसके लिए आपको अयोध्या कैंट ना जाकर अयोध्या जंक्शन में आना होगा, जिससे क्योंकि हनुमानगढ़ी पास पड़े है। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद फिर सारे ये दुकान है जिससे हमने प्रसाद लिया था, ये बिल्कुल पास में ही है हनुमानगढ़ी के। और अब मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे ये हनुमानगढ़ यहाँ पे स्थापित हुआ और कैसे कैसे इसकी स्थापना। तो मैं आपको बताऊँ हनुमानगढ़ी की कहानी क्या है, कि जब राम जी लंका जीत कर अयोध्या वापस आए थे तो हनुमान जी को एक स्थान दिया गया था रहने के लिए, और कहा गया था कि जब भी मेरी पूजा होने से पहले हनुमान जी की पूजा होगी, हनुमान जी की पूजा होने के बाद फिर मेरी पूजा होगी, और उसके बाद आगे की जो भी होगा वो होगा। तो इस बात पे यहाँ पे हनुमानगढ़ी का मंदिर बनाया गया था। और आपको बताओ इस पे अंदर जाने के लिए आपको 76 सीढ़ी चढ़ के जब जाना पड़ेगा ऊपर, और फिर वहाँ पे आपको दी जाएगी दीवारों पे हनुमान चौपाई बनी हुई है, हनुमान चालीसा जो होती है दीवारों पर बनी हुई है। और अगर आपको मैं बताऊं कि ये बनाया किसने था, तो ये 17वीं शताब्दी में जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने इसका निर्माण किया था। उसकी कहानी ये थी कि उनका लड़का बीमार था बहुत ज़्यादा, तो सब वैद्य हकीम सब फेल हो गए थे उसके लिए। और तो यहाँ पे जहाँ हनुमानगढ़ी का वो मंदिर था, यहाँ पे पहले मंदिर नहीं, एक बस मूर्ति थी हनुमान जी की, और एक पेड़ के नीचे एक टिल्ले के ऊपर थी। तो कहा गया था कि यहाँ पे आप जाकर आप मंदिर का निर्माण कर दो, जो भी आपकी परेशानी है वो ठीक हो जाए। तो इस वजह से फिर यहाँ पे अब पूरा जो एरिया है हनुमानगढ़ी का वो 52 बीघे में है, और ये बिल्कुल अयोध्या के मान लो आप सेंटर में है, पूरा अयोध्या इसको ऊपर चल के दिखता है। हनुमानगढ़ी के तो दर्शन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि पे। वैसे तो मुझे लगता है वहाँ कैमरा वैमरा ले जाना अलाउड नहीं होगा, तो मैं आपको आकर बताऊंगा वहाँ से क्या रहा क्या है। हाँ चल रहा है जी भव्य मंदिर का काम देख सकते हैं, और ये है रास्ता राम जन्मभूमि का जाना। बताओगे अंदर तो खैर चेकिंग वैकिंग सब है, दो तीन दिन चेकिंग है, अभी फ़ोन वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं अभी भी, और बाद में तो मुझे लगा हो गई, पर बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। आप जैसे गेट में घुसोगे आपको दिख जाएगा कि हाँ निर्माण हो रहा है, और बहुत ही बड़ी इमारत लगेगी। फिर 2-3 चेकिंग के बाद जाके आपको जहाँ आपको ये पुराने मंदिर के जो टूटे पार्ट्स हैं वो दिखाई देंगे, अवशेष जिसे कहते हैं। और उसके बाद आपको जहाँ अभी फिलहाल जहाँ पे राम जी की मूर्ति है वहाँ दर्शन करवाएगा, और वहाँ से निकलने के बाद आपको फिलहाल यहाँ पे पीछे अगर आपको दिखती होगी ये यहाँ पे पर्ची मिलती है राम रसोई करके भोजनालय है,
और निःशुल्क है ये, आपको पर्ची देगी, उसमें अपना एंट्री करनी है और सामने आपके इसी के बिल्कुल सामने, ये पीछे देख लो आप, यहाँ पर आपको खाने मतलब खाने की पूरी सुविधा दी जाएगी, जो भी आपका भोजन होगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर। इस तरह से है ये अंदर से राम रसोई करके, आप देख सकते हैं अब यहाँ पे खाना आपको फ्री में दिया जाएगा। ये भी हमारी ये मान लो तीसरी जगह होगी, पहले हम हनुमानगढ़ी मंदिर गए, अब हम यहाँ आ चुके हैं, फिर राम जन्मभूमि गए, अब राम रसोई में आ चुके हैं, अब हम जाएंगे इसके बाद दशरथ में। यही है सीता माता की रसोई, जो आपको निःशुल्क खाना खिलाती है, बस आपको बाहर से जो मैंने बताया था पर्ची लेनी है और अपना नाम होम एंट्री करके आ जाना है बस यहाँ पे। तो अपनी चौथी जगह दशरथ महल आ चुके हैं, जो वापस जब आप राम जन्मभूमि से वापस आओगे तो आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। अब अंदर चल के देखते हैं कैसा है, दिखाता हूँ आपको क्या क्या है दशरथ महल में। तो जी हम अपनी चौथी जगह से पांचवी जगह जा रहे थे सुग्रीव किला, पर वहाँ पे भी काम चल रहा तो इस वजह से बंद है। तो अब हम बताइए आपको क्या है, ये फल है कंदमूल। श्री राम जी ने जब 14 साल का वनवास में थे तो यही फल खा के गुजारा करा था माँ सीता ने और लक्ष्मण जी ने, सिर्फ यही फल कंदमूल कहते हैं। तो भाई अपना घूम लिया सारी जगह, अब सीधा चलते है सरयू नदी में, जाकर वही डुबकी मारेंगे। चलो जी। तो जी यही है राम की पैड़ी, देख ले जो सरयू नदी का पानी है इसमें यहाँ रहा है, लेकिन जो मेन नदी है वो आप देख सकते हैं उस पुल के उस पर है, यहाँ पानी डाइवर्ट कर रखा है जिससे बस लोग नहा सके या फिर किसी और वजह से, तो इस तरफ पानी डाइवर्ट कर रखा है, असली जो नदी है वो उस साइड है। तो ये है असली सरयू नदी जैसे इसकी बात मैं पीछे कर रहा था, अब यहाँ से पानी डाइवर्ट करके उस घाट बना रखा है जिससे लोग आराम से वहाँ आ सके। अब तुम्हें दिखाओ तो बहुत बढ़िया है। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े हैं चरण राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। आप सब लोगों ने देख लिया, इतना ही अयोध्या मुझे पता था कि हाँ ये सब है अयोध्या में, इतना ही आप लोगों को दिखा पाए।
अब वापसी, अब टाइम आ गया क्या घर वापसी जाए। अब हम यहाँ से लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर ट्रेन